اهلا اهلا كيف الحال قد غبت واليك اشتقنا। मामले खसूसी वजीर अला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि एहतसाब और इंसाफ पीटीआई का नारा है, इसकी आड़ में किसी से ज्यादती या रिलीफ नहीं देंगे। कोरोना की वबा पूरी तरह फैल चुका है, इससे निपटने के लिए तमाम सियासी लीडरों को अपनी सियासत को चंद रोज के लिए भूल कर आवाम को बचाने पर अपनी तवानाइयां सर्व करने की ज़रूरत है। कोरोना वैक्सीन सेंटर सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की इज़िला में 5% कोरोना की शरह थी और उनको इज़िला को बंद करने का फैसला किया है। सूबे के 25 इज़िला जहां पर कोरोना के मुस्बित केसेस आने की शरह 5% है, उनमें सियालकोट भी शामिल है। तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला किया गया है। बाकी 11 इज़िला में जिनमें 5% से कम है वहाँ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी और महकमा तालीम ने इज़िला की लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त पंजाब में भी अस्पतालों में वेंटिलेटर ऑक्सीजन की फराहमी जारी है। भारत में कोरोना ने तबाही फैला दी है और पाकिस्तान इस तरह हंगामी सूरत हाल से निमटने और जज्बा खैर सगाली के तौर पर हिंदुस्तान को तमाम ज़रूरी सामान इंसानी बुनियाद पर भिजवाने का फैसला किया है। हुकूमत अब तक 9,34,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुकी है। नसीर बेग, ब्यूरो चीफ प्राइम स्टार न्यूज़, सियालकोट। أهلاً أهلاً كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا।